हेलो एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 18 सॉल्व करेंगे जो मैंने मिलियन माइंड्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से लिया है। सो प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 17 तक मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। सो क्वेश्चन नंबर 1, अनसीन पैसेज। तो अगर इसमें आपको ज़्यादा टाइम चाहिए समझने के लिए तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं एक बार रीड कर देती हूँ। सो द लो इज एन एस डिक्लेयर्ड बाय बम्बल इन ओलिवर ट्विस्ट एंड इट ऑफन सीम्स ही वाज राइट। पनिशमेंट डज नॉट ऑलवेज फिट द क्राइम एंड इट रेयरली हैपन्स दैट अ प्रिजन टर्म रिफॉर्म्स अ क्रिमिनल। कंसिडर द फॉलोइंग टू केसेस। द फर्स्ट वन हैड हैपन्ड इन अ विलेज इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट। वन गोपाल यादव अ हार्डकोर क्रिमिनल अंडरगोइंग लाइफ सेंटेंस इन द मदुरई प्रिजन केम आउट ऑन बेल। बेल होता है जमानत। फॉर 2 days to perform the last rites of his mother, but he was rearrested on the same evening on the charges of murdering his neighbor's son to settle old scores. तो पहले यहाँ पे दो criminals के बारे में बात हुई है। पहले criminal को जमानत पे छोड़ा गया है, उसकी मदर की डेथ हो गई है और उसकी जो लास्ट राइट्स है यानी कि जो बाद में उसका जो विधि विधान पूरा किया जाता है बाद में अंतिम संस्कार वगैरह, उसके लिए उसको छोड़ा गया है, लेकिन उसको दोबारा रीअरेस्ट कर लिया गया है। उसको रीअरेस्ट क्यों किया गया है? क्योंकि उसने पुराने अपने बदले लेने के लिए एक और मर्डर कर दिया था अपने नेबर के बेटे का। सो द सेकेंड केस, अब सेकेंड केस के बारे में बताया है। द सेकेंड केस टू केम टू मदुरई कोर्ट रिसेंटली डेसर्टेड बाय हर हस्बैंड अ ड्रंकर्ड हिज ग्रीफ स्ट्रिकन वाइफ मिक्स्ड रैट पॉइजन इन द फूड एंड गेव इट टू हर 4 children एज्ड बिटवीन डेस एंड 9 years या समथिंग इज मिसिंग हेयर बिफोर सी कुड स्वेलो द सेम फूड सी वॉज अनेबल टू साइट ऑफ हर चिल्ड्रन बियर्स द पिटिएबल रीथिंग इन पेन सी रश्ड देम टू हॉस्पिटल वेयर सी डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग सी वॉज एबल टू सेव द लाइव्स ऑफ द फर्स्ट 3 children बट द लॉ ऑफ द कंट्री अवॉर्डेड हर 2 years imprisonment later commuted to 1 year on the charge of plotting to kill her children। और जो second case है वो एक mother का है जो अपने जो drunkard जो husband से परेशान होकर के उसने rat poison है चूहे मारने की दवा अपने 4 बच्चों को दे दी और खुद भी उसको खाने ही वाली थी कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकी कि उसके बच्चे किस तरह से दर्द से तड़फ रहे हैं, तो वो उनको लेकर के हॉस्पिटल गई जहाँ पे 4 बच्चों में से 3 को बचा लिया गया। तो कोर्ट ने उसको सजा दी गई 2 years की, लेकिन उसको कोर्ट में 2 years की सजा उसकी 1 year में कन्वर्ट हो गई, मीन्स 1 साल की सजा उसकी माफ हो गई। सो ऑन द चार्ज ऑफ प्लॉटिंग टू किल हर चिल्ड्रन वुड यू से डू वुमेन लाइक हर अ डेंजर टू सोसाइटी वुड यू कॉल देम क्रिमिनल्स। सो हेयर द ऑथर इज आस्किंग सम क्वेश्चंस कि क्या ऐसे इस औरत को जो क्रिमिनल कहा जाना चाहिए। सो इट इज हाई टाइम दैट वी फाउंड अदर वेज ऑफ रजिस्टरिंग अवर डिसअप्रूवल ऑफ रॉन्ग डूइंग टू इम्प्रिजन द मैड एंड द मेयरली सैड एज वी डू इज नॉट ओनली अननेसेसरी इट इज अनसिविलाइज्ड। ओके, सो देख लेते हैं इसके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स। सो द राइटर सेज द लो इज एन एस बिकॉज, तो राइटर बोलता है कि जो लो है जो कानून है इज एन एस बिकॉज इट इज अ पेशेंट एज एन एस बी इट डज नॉट पनिश द क्रिमिनल्स सेवरली सी पनिशमेंट डू नॉट हेल्प टू रिफॉर्म क्रिमिनल्स एंड डी क्रिमिनल्स कैन एस्केप पनिशमेंट। सो द फर्स्ट आंसर विल बी सी पनिशमेंट्स डू नॉट हेल्प टू रिफॉर्म क्रिमिनल्स। तो उसने कानून को अच्छा नहीं माना हुआ है क्योंकि कानून से क्या होता है, लॉ से पनिशमेंट तो दी जाती है क्रिमिनल्स को लेकिन क्रिमिनल्स को सुधारने में कोई मदद नहीं मिलती।
सेकंड क्वेश्चन, गोपाल यादव केम आउट ऑन बेल. अब गोपाल यादव है वो बेल पे जमानत पे बाहर आया. इन ऑर्डर टू मर्डर हिज एनिमी, टू क्रीमेट हिज मदर, सी सो दैट ही कुड बी रीअरेस्टेड, एंड डी टू सी हिज फोर चिल्ड्रन अंडर गोइंग ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, टू क्रीमेट हिज मदर. देन थर्ड क्वेश्चन, द मदर इन द सेकेंड केस कैन नॉट बी कॉल्ड अ क्रिमिनल बिकॉज सी रश्ड हर चिल्ड्रन टू द हॉस्पिटल, बी मिक्स्ड एन इनइफेक्टिव पॉइजन इन द फूड, सी वॉज एबल टू सेव थ्री आउट ऑफ द फोर चिल्ड्रन, एंड डी वॉज डेसर्टेड बाय हर हस्बैंड. तो जो सेकेंड केस में मदर है उसको क्रिमिनल क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि द करेक्ट आंसर इज ए, सी रश्ड हर चिल्ड्रन टू द हॉस्पिटल, क्योंकि अपने बच्चों को लेकर के हॉस्पिटल भी गई थी. क्वेश्चन नंबर फोर, द राइटर आर्ग्यूज दैट पनिशमेंट फॉर पीपल लाइक द वीमेन इन द सेकेंड केस आर नॉट नेसेसरी बिकॉज. तो राइटर बोलता है कि जो पनिशमेंट है सेकेंड केस में जो वीमेन को पनिशमेंट मिली है दैट इज़ नॉट नेसेसरी, वो ज़रूरी नहीं है. और क्यों ज़रूरी नहीं है? ऑप्शन ए, डोंट कमिट क्राइम्स फ्रीक्वेंटली, बी आर लेस डेंजरस देन अदर क्रिमिनल्स, सी रिप्रेजेंट पुअर सोसाइटी, एंड डी शुड नॉट बी क्लब्ड विद अदर क्रिमिनल्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, डोंट कमिट क्राइम्स फ्रीक्वेंटली. सो फिफ्थ क्वेश्चन, द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस इज. तो दोनों केसेस में क्या डिफरेंस है? द फर्स्ट इज अबाउट अ मैन एंड द अदर इज अबाउट अ वुमन. वुमन, बी द वुमन रिग्रेट्स व्हाट सी हैज डन बट नॉट द मैन, सी द मैन इज अ लाइफर बट द वुमन इज नॉट, एंड डी द मैन एंड द वुमन बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज सी, द मैन इज अ लाइफर बट द वुमन इज नॉट. सिक्स क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्लाइड टू अ कैरेक्टर टाइप और प्लॉट पैटर्न और डिस्क्रिप्शन विच रिकर्स फ्रिक्वेंटली इन लिटरेचर एंड इज थॉट टू इवोक प्रोफाउंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज इन द रीडर बाई वॉकिंग एन इमेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन हिज अनकॉन्सियस माइंड. सो मिथ, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, आर्केटाइप एंड एनेग्नोरिसिस. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, आर्केटाइप. क्वेश्चन नंबर सिक्स, बैरोक मीन्स. तो बैरोक बताना है क्या है? सो हिलेरियस एंड सरकास्टिक लिटरेचर, बी लग्जूरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर, सी डल एंड अनएंथुजियास्टिक लिटरेचर, एंड डी सीरियस एंड पेडेंटिक लिटरेचर. सो क्वेश्चन नंबर सेवन, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, लग्जूरियस एंड एक्स्ट्रावेगेंट लिटरेचर. क्वेश्चन नंबर एट, राहुल सेज दैट अजहर लव्स क्रिकेट. सो इसको हमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है. सो राहुल सेड अजहर लव्स क्रिकेट, बी राहुल सेड क्रिकेट, सी राहुल सेज लव्ड क्रिकेट, एंड डी राहुल सेज अजहर लव्स क्रिकेट. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, राहुल सेज अजहर लव्स क्रिकेट. नाइन क्वेश्चन, आई केम होम लास्ट नाइट सैड ही. तो इसको भी हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है. तो ये हमारा पास्ट इनडेफिनेट में दिया है तो हमें इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा. सो ही टोल्ड दैट ही हैड कम होम लास्ट नाइट, ही सैड दैट ही केम होम लास्ट नाइट, सी ही सैड दैट ही हैड कम होम द प्रीवियस नाइट, एंड डी ही सेज दैट ही केम होम द प्रीवियस नाइट. सो क्वेश्चन नंबर नाइन, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, ही सेड दैट ही हैड कम होम द प्रीवियस नाइट. लास्ट नाइट को हमें प्रीवियस नाइट में चेंज करना होता है. क्वेश्चन नंबर टेन, वेयर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ बिलो कोटेड लाइन्स आर टेकन. तो ये लाइन बतानी है कहाँ से ली गई हैं. नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स. तो
सॉलिटरी रीपर और टू अ नाइटिंगेल, टू अ कुकू और टू अ स्काईलार्क. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, सॉलिटरी रीपर. क्वेश्चन नंबर 11. द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोम रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वॉज रिटन अंडर द टाइटल. तो ये रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, इसका हमें सब टाइटल बताना है कौन सा है. द लीच गैदरर, माइकल, द टू अप्रैल मॉर्निंग्स एंड द रुइंड कॉटेज. सो क्वेश्चन नंबर 11. द करेक्ट आंसर विल बी ए, द लीच गैदरर. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज गार्ल्सवर्दी जोसलिन. जोसलिन क्या है, जेनर बताना है उसका, नोवल, ड्रामा, एसे और पोम. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, नोवल. क्वेश्चन नंबर 13. व्हाई वाज मिल्टन कॉल्ड लेडी इन द कॉलेज. तो मिल्टन को कॉलेज में लेडी क्यों बोला जाता था, यहाँ पे बताना है. तो लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज बोला जाता था मिल्टन को. तो फॉर हिज अलूफनेस, फॉर हिज डेलिकेसी एंड स्वीटनेस, हिज थॉटफुल नेचर, हिज लिटरेरी अचीवमेंट. सो 13 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, हिज डेलिकेसी एंड स्वीटनेस. जो उनके अंदर सॉफ्टनेस थी, स्वीटनेस थी और डेलिकेसी, उनका जो कोमलता थी, बिल्कुल लेडीज जैसे वो सुंदर दिखते थे, उसकी वजह से उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज बोला जाता था. 14 क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड मिल्टन डाई. तो मिल्टन की जो डेथ है वो कौन से ईयर में हुई, 1674, 1680, 1672 और 1660. सो 14 क्वेश्चन आंसर इज ए, 1674. उनका बर्थ हुआ था 1608 में और डेथ हुई थी 1674 में. और इसी ईयर पैराडाइज लॉस्ट को जो दोबारा से पब्लिश करवाया गया था, रिपब्लिश, वो 1674 में हुआ था. 15 क्वेश्चन, बैलेज लेटर्स मीन्स. सो ब्यूटीफुल लेटर राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, लाइटर राइटिंग्स इन प्रोज एंड डी चीफ वर्क्स और मास्टर पीसेस. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, लाइटर राइटिंग इन प्रोज. 16 क्वेश्चन, द बैगर सैड पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स. तो द बैगर सैड पॉवर्टी हैज अ ग्रेट कर्स. तो इसमें पहले देख लेते हैं कौन सा टेंस है ये. तो ये जो टेंस है ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये. सो ऐसा जो क्वेश्चन है इसमें जो यूनिवर्सल ट्रूथ दिया होता है, पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स, तो पॉवर्टी कर्स है और हमेशा रहेगी. तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ है ना, जिसको बदला नहीं जा सकता. तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द बैगर सैड दैट पॉवर्टी इज अ ग्रेट कर्स. क्योंकि इस पार्ट में हमें कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रूथ है. 17 क्वेश्चन, चेंज इन पैसिव वॉइस. द मैसन इज बिल्डिंग अ वॉल. तो पहले देख लेते हैं टेंस कौन सा है इसमें. तो टेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को जब हम पैसिव में बनाएंगे तो इज आर एम प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा. और इसका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज अ वॉल. तो वॉल से हमें स्टार्ट करना है सेंटेंस. द वॉल इज बींग बिल्ड बाय द मैसन. द वॉल इज बींग बिल्ड बाय द मैसन. द वॉल वॉज बींग बिल्ड बाय द मैसन एंड डी द वॉल इज बींग बिल्ड बाय द मैसन. तो देखिए सबसे पहले ये वाज है, तो इस वाले को अलग हटा देते हैं. सबसे इजी मेथड है, जो क्वेश्चन गलत लग रहा है उसका आंसर उसको अलग हटा देते हैं, तो चॉइस हमारी इजी हो जाती है. यहाँ देखिए बीन आया है, इसको अलग हटाते हैं. अब हमें सेकंड और फोर्थ में से फाइंड आउट करना है. तो सेकंड में देखिए थर्ड फॉर्म आनी है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है बिल्ड, इसको हटाते हैं. तो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, बींग बिल्ड. 18 क्वेश्चन, एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इनडोर्स. सिंपल सेंटेंस, तो हमें इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है. सो द वेदर वॉज बैड एंड वी स्टेड इनडोर्स. तो एंड आ गया तो कंपाउंड है ये. सिंस द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इनडोर्स. दो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गए, तो ये भी हमारा सिंपल नहीं है. इट बींग अ बैड वेदर वी स्टेड इनडोर, दैट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. He is believed to have died of malaria. Complex sentence. तो इसको complex में चेंज करना है. So he is believed that
he would have died of malaria. B. It is believed that he died of malaria. C. It is believed that malaria is the cause of his death. And D. People believed that he died of malaria. So the correct answer will be B. It is believed that he died of malaria. 20 question. If you want to smoke, you will have to go out, said the conductor. So the conductor ordered me to go out and smoke. B. The conductor said that if he wanted to smoke, he would have to out. C. The conductor told me that smoking is not permitted in the bus. And D. The conductor told me that I will have to go out and smoke. So the correct answer will be B. The conductor said that if he wanted to smoke, he would have to go out. Okay. 21 question. She said, I am sorry, I am not able to submit those papers. तो इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है. सो सी सैड, सी वॉज सॉरी, सी इज नॉट एबल टू सबमिट दोज पेपर्स. बी, सी सैड दैट सी वॉज सॉरी एंड सी विल नॉट बी एबल टू सबमिट दोज पेपर्स. सी, सी अपोलोजाइज फॉर नॉट बीइंग एबल टू सबमिट दोज पेपर्स. एंड डी, सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट सी वॉज sorry and she will not be able to submit those papers. So the correct answer will be C here. She apologized for not being able to submit those papers. Question number 22. Bathoj means. So bathoj ka meaning batana hai. Intentional ludicrous descent from the exalted to the commonplace. B. Unintentional ludicrous descent from the exalted to the commonplace. C. Both A and B. And D. Sudden rise to an exalted style from the commonplace. So the correct answer will be B here. Unintentional ludicrous descent from the exalted to the commonplace. 23 question. Which is the incorrect sentence? So incorrect sentence find out karna hai. You have 20 rupees. You have 10 rupee notes. India cannot accept the two nations theory and mankind is demented. So question number 23. The correct answer will be. We have to find incorrect one na. So C is incorrect. India cannot accept the two nations theory. For 24 question, they poured water on us. So A, we were poured water. B, we had been poured water on. C, water had been poured on us. एंड डी, वाटर वॉज पोर्ड ऑन अस. तो देखिए ये हमारा पास्ट इंडेफिनेट में है, तो हमें इसको पास्ट इंडेफिनेट में ही बनाना है. हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज अस, तो हमें वी से स्टार्ट करना है या फिर वाटर से स्टार्ट करना है. अस हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अस से हमें स्टार्ट नहीं करना. हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ वाटर, तो हमें वाटर से इसको स्टार्ट करना है. सो देख लेते हैं करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर. वाटर वॉज पोर्ड ऑन अस. 25 क्वेश्चन. दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ. तो कौन सा टेंस है ये? आर प्रिपेयरिंग, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है. तो द पेपर्स कैन बी प्रिपेयर्ड नाउ. बी, द पेपर्स विल बी प्रिपेयर्ड नाउ. तो कैन का यूज नहीं हो रहा है, विल का यूज भी नहीं है, इसको भी अलग हटाते हैं. द पेपर्स आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड नाउ. तो गोइंग का तो यहाँ पे कहीं ऊपर आया ही नहीं है, दैट इज रॉन्ग. द पेपर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड नाउ.
So question number 25, the correct answer will be D here. 26th question, which of the following expressions is correct? इसमें हमें करेक्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है. योर सिंसियरली, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, योर्स सिंसियरली. यहाँ पे प्रोनाउन आया है, इसमें पजेसिव के लिए हमें अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं होती. तो योर्स सिंसियरली इज द करेक्ट आंसर. 27 क्वेश्चन, हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोएट्री? किसने क्रिटिसाइज किया था वर्ड्सवर्थ को कि उसने अपनी खुद की थ्योरी को यूज नहीं किया पोएट्री में? सो अर्नोल्ड, मिल्टन, टी एस एलियट और गोएथ. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, टी एस एलियट. 28 क्वेश्चन, वी आर नॉट फ्री एजेंट, वी आर पार्ट ऑफ अ मशीन, आवर ओनली बिजनेस इज टू सी द कंपनी अर्न्स एज मच प्रॉफिट एज इट सेफली कैन. सो हु इज द स्पीकर? वैंकलिन इन स्ट्राइफ, रॉबर्ट्स इन स्ट्राइफ, हार्नेस इन स्ट्राइफ एंड फाल्डर इन जस्टिस. सो 28 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, वैंकलिन इन स्ट्राइफ. नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, लिरिकल बैलेट्स अपियर्ड विद. तो लिरिकल बैलेट्स में क्या था, टोटल 23 पोएम्स थी. आउट ऑफ 23, 19 पोएम्स वर रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड 4 पोएम्स बाय कॉलरिज. ओके, सो 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 कॉलरिज ने लिखी थी. तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ, दैट इज द करेक्ट आंसर. 30 क्वेश्चन, हु कॉल्ड मिल्टन एज अ पोइट बिलोंगिंग टू डेविल्स पार्टी. तो डेविल्स पार्टी से बिलोंग करता है मिल्टन, किसने बोला था? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. द करेक्ट आंसर इज बी, ब्लेक. सो 30 का बी ऑप्शन करेक्ट है. 31, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूक्स एक्स मसीना? सो इस ये फॉरेन एक्सप्रेशन है, इसका मीनिंग बताना है. द कॉन्ट्रिव्ड प्लॉट एंड इट्स ग्रेजुअल ओपनिंग, बी द मेन थीम और सब्जेक्ट इन द स्टोरी, सी द सडन एंड अनएक्सपेक्टेड टर्न इन फॉर्च्यून एंड डी द सुपर नेचुरल एजेंसी इन एन एपिक पोएम. द करेक्ट आंसर विल बी डी, द सुपर नेचुरल एजेंसी इन एन एपिक पोएम. 32, which of the following sentences is grammatically correct? We rarely see a lion, we scarcely see a lion, he played good and he lives miserly. So 32 question, the correct option is A here, we rarely see a lion. 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट? तो इसमें इनकरेक्ट हमें फाइंड आउट करना है. राइट इन इंक, ही थ्रू द स्टिक इनटू द वाटर इनटू द रिवर, वी वेंट नियर द स्टेशन एंड डी ही वॉज अ फेवरेट विद हिज फ्रेंड. सो 33 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, वी वेंट नियर द स्टेशन. 'ही वॉज अ फेवरेट' तो यहाँ पे ए का ऑप्शन, मुझे यहाँ पे ए आर्टिकल का जो यूज रॉन्ग लग रहा है यहाँ पे, लेकिन प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर सी है. देन चूज द सेंटेंस विच मेक्स एप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स. तो वर्ब्स इसमें फाइंड आउट करनी है. द पुलिस किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस है जहाँ पे ये इफ आए हुए हैं. तो द पुलिस किल्स यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे, एंड सी द पुलिस मे किल यू इफ़ यू ट्राइड टू रन अवे, एंड डी द पुलिस वुड किल यू इफ़ यू शैल ट्राई टू रन अवे. सो क्वेश्चन 34, द करेक्ट आंसर विल बी हेयर,
द पुलिस विल किल यू इफ़ यू ट्राई टू रन अवे। ये हमारा जो है फर्स्ट केस है, फर्स्ट कंडीशनल केस है, जिसमें एक तरफ हम क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट यूज करते हैं। 35 क्वेश्चन, व्हाट इज सिजुरा इन पोएट्री। तो सिजुरा बताना है क्या होता है, अ पोज इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स डिक्टेटेड बाय द मीटर। बी अ पोज इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स नॉट डिक्टेटेड बाय द मीटर्स बट द नेचुरल राइम ऑफ द लैंग्वेज। सी द पोज आफ्टर एवरी स्टेंजा इन बिल्ड इन टू द राइम ऑफ द लैंग्वेज एंड मीटर। एंड डी एनी पोज इन पोएट्री। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, अ पोज इन अ लाइन ऑफ वर्ड्स नॉट डिक्टेटेड बाय सॉरी डिटेक्टेड बाय द मीटर्स बट बाय द नेचुरल राइम ऑफ द लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 36, द प्लॉट ऑफ विच वर्क इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मोरबिड एंड मोन्स्ट्रस एक्स्ट्रावेजेंस ऑफ हॉरिबल इम्पॉसिबिलिटी। तो कौन से वर्क के लिए बोला गया ये, द बोल्डरर्स, द एक्सकर्सन, लेओडेमिया, द वाइट डो ऑफ रिलस्टोन। सो द करेक्ट आंसर विल बी द बोल्डरर्स। 37, इसका हमें करेक्ट मीनिंग ढूंढना है, टर्न अप। सो प्लंडर, सरप्राइजिंग, डेस्ट्रॉय एंड कंटेमिनेट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी सरप्राइजिंग। 38, द सिनोनिम ऑफ अपैरी, अपैरी का हमें यहाँ मीनिंग बताना है, प्रिजन, रिफॉर्मेटरी, अ प्लेस फॉर बीज और लार्ज केज ऑफ बर्ड्स। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, अ प्लेस फॉर बीज। और पी की जगह अगर वी आ जाता है, ए वी आई ए आर वाई, तो दैट इज द प्लेस ऑफ बर्ड। इसका करेक्ट आंसर है सी, अपेरी, अ प्लेस ऑफ बीज। 39, एप्टिनेंट, तो एप्टिनेंट का हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है। सो ए स्पिल्ट, बी कैचिंग, सी ड्राई एंड डी रिफ्रेनिंग। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, रिफ्रेनिंग। अब एप्टिनेंट का अगर प्रॉपर मीनिंग देखा जाए, सो द मीनिंग इज संयमी, एप्टिनेंट मीन्स संयमी, और रिफ्रेमिंग, रिफ्रेनिंग का मतलब होता है परहेज। देन 40 क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ लंपेन। तो लंपेन का हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है, माइजरेबल, क्रूएल, क्लमजी एंड नोइजी। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, क्लमजी। देन 41 क्वेश्चन, स्नैपी मीन्स, तो स्नैपी का हमें सिनोनिम बताना है यहाँ, ऑप्शन ए वीगर, बी एक्सप्लोजन, सी स्मार्ट एंड डी मिक्स्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, स्मार्ट। अभी स्नैपी का अगर मीनिंग देखा जाए, तो स्नैपी का मीनिंग होता है तेज। 42 क्वेश्चन, इम्पेरिल, तो इम्पेरिल का मीनिंग बताना है, ऑप्शन ए जियोपैडिस्को, जियोपैडिस्क, बी क्वेरल, सी ब्यूटीफाई एंड डी स्नैग। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए जियोपैडिस। सो इम्पेरिल का मीनिंग देख लेते हैं, सो इम्पेरिल मीन्स होता है संकट में डालना। ओके, तो इसका जो करेक्ट मीनिंग हो जाएगा दैट इज ए जियोपैडिस। जियोपैडिस का भी मीनिंग होता है किसी को कठिनाई में डालना। और स्नैग देखें तो स्नैग का मतलब होता है रोड़ा या कठिनाई, जो सामने हमारे हर्डल होते हैं दैट इज स्नैग। क्वेरल लड़ाई एंड ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई होता है सुंदर बनाना। 43 क्वेश्चन, टू विच ऑफ हिज फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ रोट,
तो वर्ड्सवर्थ ने कौन से फ्रेंड के लिए लिखा है ये? एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग, कि जितने भी कवि होते हैं वो क्या होता है, हर कवि एक टीचर होता है और अगर मैं टीचर नहीं बन सकता तो मैं कुछ भी नहीं बनूंगा। सो रॉबर्ट साउदी, एच टी कोलरिज, सर वॉल्टर स्कॉट और सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, सर जॉर्ज ब्यूमॉन्ट। 44 क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट पोएम ऑफ मिल्टन, तो मिल्टन की पहली पोएम बतानी है कौन सी है? ऑन शेक्सपियर, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, एट अ सोलम म्यूजिक और डी एल एलिग्रो। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। सो डोंट बी कन्फ्यूज इन इट कि पहली पोएम तो ऑन शेक्सपियर है, ऑन शेक्सपियर मिल्टन की पहली पब्लिश्ड पोएम है, ओके, जो 1630 में आई, और ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो 1629 में लिखी थी मिल्टन ने, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन, विच फेथ डिड मिल्टन बिलीव इन, तो मिल्टन कौन से, किस चीज़ में, कौन से फेथ में बिलीव करते थे? प्यूरिटन, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और नन ऑफ देम। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, प्यूरिटन। 46 क्वेश्चन, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग पोइट्स इज कॉल्ड द इंग्लिश वर्जिल, तो कौन से पोइट को इंग्लिश वर्जिल के नाम से जाना जाता है? जॉन स्केल्टन, जॉन बार्बर, जॉन लिडगेट एंड जॉन कैपग्रेव। सो क्वेश्चन नंबर 46, द करेक्ट आंसर विल बी सी, जॉन लिडगेट। 47 क्वेश्चन, इन केस ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री द टर्म इज यूज टू डेजिग्नेट एन इंजेनियस एंड फैंसीफुल नोशन और कॉन्सेप्शन यूजुअली एक्सप्रेस्ड थ्रू एनालॉजी एंड पॉइंटिंग टू अ स्ट्राइकिंग पैरेलल बिटवीन टू सीमिंगली डिसिमिलर थिंग्स, आइडेंटिफाई द टर्म फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, तो टर्म ढूंढनी है कौन से टर्म के बारे में बात की गई है यहाँ। सो कंसीट, विट, क्लिच और एक्जियोम, द करेक्ट आंसर विल बी ए, कंसीट। 48 क्वेश्चन, द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, सो ए एग्नोस्टिसिज्म, थीज्म, एथीज्म और हीनोथीज्म। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, एग्नोस्टिसिज्म। 49 साइंस ऑफ द रेसिस ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड की जो रेसिस की साइंस है उसको क्या बोला जाता है, किस नाम से जाना जाता है? सो जीनियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, इथनोलॉजी एंड सोशोलॉजी। सो 49 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, एथनोलॉजी। 50 क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय डिनोमेंट इन ड्रामा, तो ड्रामा में डिनोमेंट का मतलब बताना है क्या होता है? द फाइनल अनरेवेलिंग ऑफ द प्लॉट, द एंटी क्लाइमैक्स, द एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंस और एंड, एंड डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, द फाइनल अनरेवेलिंग ऑफ द प्लॉट। 51, हु सफर्स सोलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस, तो जस्टिस में किसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिला था? फाल्डर, रूथ हनीवेल, जैक बार्थविक और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर विल बी ए, फाल्डर। तो फाल्डर को सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिला था, और जो जस्टिस प्ले है ये कब आया था? 1910 में आया था। किसने लिखा था? गाइल्सवर्दी ने लिखा था। 52 क्वेश्चन, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोइट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, हु सेड दिस इन प्रेज ऑफ शेक्सपियर, तो किसने बोला है शेक्सपियर की प्रशंसा में ये? चार्ल्स लैम्ब, एच टी कोलरिज, जॉन ड्राइडन एंड डॉक्टर जॉनसन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, जॉन ड्राइडन।
53 question. Dithyramb is an emotional choral hymn of. तो ये जो dithyramb है यहाँ पे, ये emotional choral hymn है. हाइम होता है भजन. तो किसका भजन है ये? अपोलो, सैटर्न, डायोनीसियस एंड वीनस. सो 53 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी सी हियर, डायोनीसियस. 54 क्वेश्चन, हु वॉज द पायोनियर ऑफ द आइडिया दैट नो वर्क ऑफ लिटरेचर whatsoever has been able to express exactly what it wanted to say. So Northrop Frye, Daniel Deronda, T.S. Eliot or Jacques Derrida. So the correct answer will be D here, Jacques Derrida. 55 question, detaining and confining someone. Interruption, interrogation, enterment or internment. So 55 question, the correct answer will be B here, interrogation. 56 question, an underhand device resorted to in a order to justify misconduct. So underhand device बतानी है, resorted to in order to justify misconduct, जो misconduct को justify करने के लिए यूज होती है. So subterfuge, maneuver, see, stratagem and D, complicity. The correct answer will be A, subterfuge. 57 question, a little water clears us of the deed. तो ये dead नहीं है यहाँ पे, it should be deed. तो who says and to whom, तो किसने किसे बोला है? Macbeth to Lady Macbeth, Lady Macbeth to Macbeth, Viola to Duke Orsino and Cleopatra to Antony. So 57 question, the correct answer will be B here, Lady Macbeth to Macbeth. वो फोर्स करती है मैकबेथ को किंग डंकन की मर्डर करने के लिए और उसको बोलती है अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ द डीड, कि थोड़े से पानी से हमारे ये हाथ धुल जाएंगे या हमारे ये जो बुरे कर्म है ये थोड़े से पानी से धुल जाएंगे. 58 क्वेश्चन, द ऑपोजिट ऑफ स्टेल्थी. तो यहाँ स्टेल्थी का मीनिंग बताना है. ए ओपन, B secret, C surreptitious and D serious. So 58 question, the correct answer will be A open. Then 59 question, which of the following is mismatched with reference to word antonym sequence. तो यहाँ पे देखना हमें कौन सा मिसमैच है. तो ये एंटोनिम्स दिए हुए हैं आपस में, तो एक्विट कन्विक्ट, बी ग्रैंड ऑर्डिनरी, सी हम्बल होटी एंड डी डिसोलेट परकोलेट. सो 59 क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, सो डी ऑप्शन इज मिसमैच. 60 क्वेश्चन, पिक आउट द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू. सो रैंकोर, तो रैंकोर का हमें ऑपोजिट बताना है. डिसलाइक, अवॉइडेबल, लाइकिंग और अवर्जन. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, लाइकिंग. सो रैंकोर का जो मीनिंग होता है दैट इज विद्वेष, किसी से द्वेष करना, जेलेसी करना. ओके सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, लाइकिंग, क्योंकि हमें यहाँ ऑपोजिट बताना है. और यहाँ एवर्जन जो दिया हुआ है, एवर्जन का मतलब भी होता है घृणा या हेट. 61 क्वेश्चन, विच पोयम अमंग द लूसी पोयम्स डज नॉट डायरेक्टली मेंशन लूसी. तो इन सभी पोयम में से कौन सी डायरेक्ट मेंशन नहीं है लूसी को.
strange fits of passion have I known. She dwelt among the untrodden ways. 3 years she grew. A slumber did my spirit seal. So the correct option will be D. A slumber did my spirit seal. 62 question. Who said in Paradise Lost, better to reign in hell than serve in heaven? Means नर्क में शासन करना ज़्यादा अच्छा है स्वर्ग में सेवा करने से. तो ये लाइन किसने बोली है? मोटिवेशनल स्पीच है ये. बिलजेबब, सैटर्न, मोलोच और नोनो दीज. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, सैटर्न. 63 क्वेश्चन. लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स इज अ लाइन फ्रॉम सो टिंटन एबे, इमोर्टैलिटी ओड, डेफोडिल्स और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस. So the correct answer will be D. The word is too much with us. 1602 में लिखी गई है ये और 1607 में इसको पब्लिश करवाया गया है. The word is too much with us. Sorry, 1802 में इसको लिखा गया है और 1807 में इसको पब्लिश करवाया गया है. और वर्ड्सवर्थ का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 1770 और 1850 तक उनका लाइफ साइकिल था. 1770 से 1850 तक. गॉट इट? देन विच पोम डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ्स पैंथिस्टिक फिलोसफी. तो कौन सी पोम में वर्ड्सवर्थ की पैंथिस्टिक फिलोसफी दिखाई दी है? गिल्ट एंड सोरो, ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, द प्रेल्यूड और टिंटन एबे. सो 64 क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर विल बी डी, टिंटन एबे. 1798 में लिरिकल बैलेट्स में इसको पब्लिश कराया गया था. इट वॉज द लास्ट पोम ऑफ लिरिकल बैलेट्स. 65 क्वेश्चन. वन हु क्रिटिसाइजेज पॉपुलर बिलीव्स विच ही थिंग्स आर मिस्टेकन और अनवाइज. तो फिलिस्टाइन, आइकोनोक्लास्ट, इम्पोस्टर और कैनिबल. सो वॉट इज द करेक्ट आंसर हेयर? सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, आइकोनोक्लास्ट. तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मूर्ति भंजक. ऐसा इंसान जो किसी बिलीफ में विश्वास नहीं करता है और उसको जो गलत मानता है. 66 क्वेश्चन. द चीफ फोर टाइप्स ऑफ कंपोजिशन आर आर्ग्यूमेंटेशन, डेस्क्रिप्शन, नरेशन एंड फोर्थ वन हमें बताना है. फोर्थ वन कौन सा है? एक्सप्रेशन, समेशन, एक्सपोजिशन और एक्सटेंशन. सो द करेक्ट आंसर सी, एक्सपोजिशन. 67 क्वेश्चन. द करेक्ट स्पेलिंग इज. तो करेक्ट स्पेलिंग बतानी है इसमें. द करेक्ट आंसर विल बी ए, एक्यूमुलेट. ए डबल सी यू एम यू एल ए टी ई, एक्यूमुलेट. 68 इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड हमें फाइंड आउट करना है. सो द करेक्ट आंसर इज डी हेयर. देन 69 क्वेश्चन. Don't dash to conclusion. I have not had an opportunity to explain it to you yet. तो don't dash to conclusion. इसमें हमें क्या कोई इसमें से better option find out करके लिखना है. So the correct answer will be A here. Don't jump to conclusion. Okay. 70 question. Those are pearls that were his eyes. तो वेयर डज दिस लाइन अपीयर. तो कहाँ से ली गई है ये लाइन? ओथेलो, हेमलेट, द टेम्पेस्ट और सिम्बेलाइन. सो 70 क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, द टेम्पेस्ट. 71 क्वेश्चन. यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करके लिखनी है. सो द करेक्ट स्पेलिंग विल बी सी, एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी ई, एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी ई, हेमरेज. देन 72 क्वेश्चन. अ लिटिल मोर
than kin and less than kind. तो who says? Claudius, Othello, Hamlet and none of these. The correct option is C here, Hamlet. 73. Galsworthy began his literary career as a journalist, dramatist, novelist and a poet. तो गैल्सवर्दी ने अपना जो लिटरेरी करियर स्टार्ट किया था वो किससे किया था? एज अ नॉवलिस्ट. सी इज करेक्ट आंसर. 74. आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमरी. हु सेड अबाउट शेक्सपियर. तो शेक्सपियर के बारे में किसने बोला था ये? बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, नन ऑफ दीज और मिल्टन. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए हेयर, बेन जॉनसन. 75. वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल. तो हु इज द स्पीकर इन शेक्सपियर्स प्ले? डेसडिमोना, ओथेलो, वायोला और एंटोनी. द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर, ओथेलो. 76. क्वेश्चन. द फाइनेस्ट ऑफ गैल्सवर्दीज लेटर ड्रामा. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो एस्केप, द पिजन, द स्किन गेम और लॉयल्टीज. द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, लॉयल्टीज. 77. द चीफ फोर टाइप्स ऑफ कंपोजिशन आर आर्ग्यूमेंटेशन, डेस्क्रिप्शन, नरेशन एंड डैश. तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था आगे. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, एक्सपोजिशन. 78. दिस इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट. तो शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले किसको माना जाता है? रोमियो एंड जूलियट, हेनरी सिक्स पार्ट वन, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एंड लव लेबर लॉस्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, हेनरी सिक्स पार्ट वन. सो आई थिंक दिस ऑप्शन इज रॉन्ग हेयर. इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए दैट इज लव लेबर लॉस्ट. प्रैक्टिस सेट में बी दिया हुआ है. 79. क्वेश्चन. डैश ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू एटर्निटी. हु सेज एंड टू होम. तो ये जो लाइन है ये किसने किससे बोली है? क्वीन गर्ट्रूड टू हैमलेट, वायोला टू सेबेस्टियन, वायोला टू ड्यूक ऑर्सिनो, डेसडिमोना टू ओथेलो. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, क्वीन गर्ट्रूड टू हैमलेट. जब हैमलेट बहुत परेशान होता है उसके पिता की मृत्यु पे, तो क्वीन गर्ट्रूड उससे बोलती है कि जो भी इस दुनिया में आया है, जो भी यहाँ जिंदा है, उन सबको मरना है. सो ऑल दैट लिव्स मस्ट डाई पासिंग थ्रू नेचर टू एटर्निटी. और सभी को प्रकृति में मिल जाना है. ओके तो ये क्वीन गर्ट्रूड ने हैमलेट से बोला है उसको कंसोल करते हुए. 80. क्वेश्चन. विच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर. तो कौन से ऑथर ने ये बात कही है कि जो शेक्सपियर है वो एक कंट्री स्कूल मास्टर भी रहा है? निकोलस रो, जॉन ओबरी, जॉन फ्लेचर और नन ऑफ दीज. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, जॉन ओबरी. 81. क्वेश्चन. हु कॉल्ड मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. तो किसने बोला है मिल्टन के लिए ये? ड्राइडन, टेनिसन, वर्ड्सवर्थ और पॉप. 81. क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, टेनिसन. 82. क्वेश्चन. व्हाट वाज द नेम ऑफ मिल्टन्स थर्ड वाइफ. तो मिल्टन की थर्ड वाइफ का नेम बताना है. तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको, फर्स्ट वाइफ एम के ई. तो एम से मैरी पोवेल, के से कैथरीन वुडकॉक एंड ई से एलिजाबेथ मिनसुल. तो थर्ड वाइफ उसकी है सी, एलिजाबेथ मिनसुल. 83. क्वेश्चन. विच टू वर्ड्स राइम इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ डेफोडिल्स. तो डेफोडिल्स पोम्स की फर्स्ट राइम, फर्स्ट जो स्टैंजा है उसमें कौन से वर्ड्स राइम करते हैं? ट्रीज ब्रिज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, आई एंड लाई, ग्लेंस एंड डांस. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, ट्रीज एंड ब्रिज. 84. शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम
विलेज फॉर लंडन इन। शेक्सपियर लंडन के लिए अपना घर छोड़ के कब गए थे? 1587, 1588, 1589 और 1590। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए हेयर, 1587। शेक्सपियर का बर्थ हुआ था 1564 में, डेथ हुई थी 1616 में, और वो अपना घर छोड़ के लंदन के लिए गए थे 1587 में और वापस लौट के आए थे 1613 में। 85 क्वेश्चन, 14 ब्रास इन हैमलेट इज। तो 14 ब्रास इज अ कैरेक्टर इन हैमलेट, तो बताना है वो कौन है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क, प्रिंस ऑफ नॉर्वे, प्रिंस ऑफ हॉलैंड और प्रिंस ऑफ पोर्टुगल। सो 85 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी बी, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। 86 क्वेश्चन, इन स्ट्राइफ द स्ट्राइक टेक्स प्लेस एट। तो स्ट्राइफ जो प्ले है उसमें स्ट्राइक कहाँ होती है? त्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स में, दैट इज द करेक्ट आंसर। 87 क्वेश्चन, एन एक्सटेंडेड नैरेटिव विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलोंग विद इट्स सरफेस स्टोरी वुड बी कॉल्ड। तो जो एक एक्सटेंडेड नैरेटिव होती है, मीन्स एक जिसका एक मीनिंग के अलावा सेकेंड मीनिंग भी निकलता है, तो उसको बताना है कि उसको क्या बोलते हैं? सिंबल, एलिगरी, एक्सपोजिशन और कंसीट। सो 87 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर विल बी बी, एलिगरी। इसके हमेशा दो सेंस जाते हैं, एक रियल मीनिंग और एक उस मीनिंग से अलग कोई सेकेंड मीनिंग। 88 क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज पैराडाइज लॉस्ट कम्प्लीटेड। पैराडाइज लॉस्ट कौन से ईयर में कम्प्लीट हुआ है? सो 1660, 1663, 1665 और 1650। सो इसमें प्रैक्टिस सेट में जो इसका आंसर दिया है दैट इज बी, 1665, लेकिन ये रॉन्ग है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, 1665। ओके, क्योंकि 1658 में इसको लिखना स्टार्ट किया था मिल्टन ने, 1665 में इसको लिख के कंप्लीट किया था, 1667 में इसको पब्लिश करवाया था और 1674 में इसको रिपब्लिश करवाया गया था। 89 क्वेश्चन, द नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस इज डेडिकेटेड टू। तो किसको डेडिकेटेड है ये जो पोएम है? हेनरी रोथसले, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, बैरन ऑफ टिचफील्ड एंड टू दीज थ्री। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, टू दीज थ्री। इन सभी को डेडिकेटेड है ये पोएम। 90 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग। तो हमें स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, आर ई एन डी ई जेड वी ओ यू एस, रेंडेजवस। 91 क्वेश्चन, इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। सो द करेक्ट स्पेलिंग इज ए हेयर, पी ई आर एस ई वी ई आर ए एन सी ई। 92, आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक और पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो ये लाइन शेक्सपियर के प्लेज के बारे में किसने बोली है? डाउडेन, गोएथ, कॉलरिज एंड बेन जॉनसन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी हेयर, गोएथ। 93, इज द पोम थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गैल्सवर्दीज प्ले। तो गैल्सवर्दी के मोस्टली जो प्लेज थे उनकी थीम थी सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। 94, इन शेक्सपियर्स ट्रेजिडीज द डोमिनेंट नोट इज। कैरेक्टर इज डेस्टिनी, डेस्टिनी इज कैरेक्टर, रीजनल इज सुपीरियर और कैरेक्टर हैज नो रोल। सो कैरेक्टर इज डेस्टिनी। 95 क्वेश्चन, हु पब्लिश्ड द फर्स्ट द लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709। तो किसने 1709 में लिखा है ये वर्क, द लाइफ ऑफ शेक्सपियर? निकोलस रो, ह्यूइंग, डॉर्डन एंड कोंडेल। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, निकोलस रो। 96 क्वेश्चन, द बॉय रिजेंबल्स। तो रिजेंबल्स के बाद बताना है कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी। तो अगर आपको याद होगा पहले कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, रिजेंबल के साथ कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, द बॉय रिजेंबल्स हिज फादर। 97 क्वेश्चन, आई एम ग्रेटफुल डैश माई ग्रैंड फादर फॉर टीचिंग मी मैथमेटिक्स।
सो टू ऑफ ऑन एंड अबाउट. वॉट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर. टू प्रेपोजिशन विल बी करेक्ट. आई एम ग्रेटफुल टू माई ग्रैंड फादर फॉर टीचिंग मी मैथमेटिक्स. 98 क्वेश्चन. द पुअर बैगर वॉज ब्लाइंड डैश वन आई. तो एक आँख से जो गरीब जो भिखारी है एक आँख से काना है. सो ऑफ ऑफ टू एंड बाई वॉट विल बी करेक्ट आंसर? सो 98 क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज ए हेयर. द पुअर बैगर वॉज ब्लाइंड ऑफ वन आई. 99 क्वेश्चन. रन राउंड द कॉर्नर समवन इज फॉलोइंग क्लोज डैश अस. तो क्लोज के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? बिहाइंड, आफ्टर, बिसाइड्स एंड टू. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, सॉरी ए, बिहाइंड. रन राउंड द कॉर्नर समवन इज फॉलोइंग क्लोज बिहाइंड अस. देन 100 क्वेश्चन. द कैट इज हाइडिंग फ्रॉम अस डैश द टेबल. सो बिलो, बीनीथ, एट और अंडर. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, अंडर. द कैट इज हाइडिंग फ्रॉम अस अंडर द टेबल. 101. प्लीज हैव अ टॉक डैश योर फादर अबाउट माई वर्क. सो टू विद ओन एंड एट. वॉट इज द करेक्ट आंसर हेयर? द करेक्ट आंसर विल बी बी. प्लीज हैव अ टॉक विद योर फादर अबाउट माई वर्क. 102. आफ्टर द इवेंट ही फेल्ट वीक एंड टायर्ड. तो रिप्लेस द अंडरलाइन. तो वीक एंड टायर्ड के प्लेस पे क्या यूज हो सकता है यहाँ? एनकोमियास्टिक, एनर्जाइज्ड, एनर्वेटेड एंड एंजीनियर्ड. सो 102. द करेक्ट आंसर विल बी सी, एनर्वेटेड. 103. द मीनिंग ऑफ द idiom अ ब्रोकन रीड इज. तो ब्रोकन रीड का हमें यहाँ पे मीनिंग ढूंढना है. फर्टाइल एफर्ट, रेयर, अनरिलायबल एंड असडन. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, अनरिलायबल, अविश्वसनीय. 104. द मीनिंग ऑफ द idiom टू थ्रो अप द स्पॉन्ज. तो टू थ्रो अप द स्पॉन्ज का मीनिंग बताना है. टू अपोज रिसोल्यूटली, टू अनडू, टू डू द डेस्ट्रक्शन एंड नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं. 105. अल्फ़ाबेट सूप मीन्स. तो अल्फ़ाबेट सूप बड़ा प्यारा सा वर्ड है ये. इसका हमें मीनिंग बताना है. कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज, बाय चांस, लेस डिस्क्राइब्ड एंड स्मार्टली डिस्क्राइब्ड. सो 105. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज. 106. विच ऑफ द फॉलोइंग idiomatic comparisons इज नॉट करेक्ट. तो इनमें से कौन सी करेक्ट नहीं है? एज बिटर, एज गॉल, एज टीयरफुल, एज बार्क, एज रेड, एज चेरी, एज साइलेंट, एज स्टार. तो इसमें हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, एज चीयरफुल, एज बार्क. 107. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस बेस्ट एक्सप्रेशंस द पोजिशन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्रिटिसिज्म. सो डिफाइन स्ट्रक्चर्स अंडर लाई इम्पायरिकल इवेंट्स. बी लैंग्वेज इज रिप्रजेंटेशनल. सी एप्रीहेंसन ऑफ रियलिटी इज अ कंडक्ट. एंड डी नॉलेज ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर्स दैट आर एक्जोमेटिक. सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, एप्रीहेंसन ऑफ रियलिटी इज अ कंस्ट्रक्ट. 108. पोएट्री अकॉर्डिंग टू सर फिलिप सिडनी इज ऑफ थ्री काइंड. तो फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग पोएट्री के तीन काइंड है. वो काइंड हमें बताने हैं यहाँ पे. सो 108. द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, रिलीजियस, फ्लोस्पीकल,
एंड इमेजिनेटिव. दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी, रिलीजियस, फिलोसफिकल एंड इमेजिनेटिव. 109. हु अमंग द फॉलोइंग कॉइंड द डिक्टम द मीडियम इज द मैसेज? तो रेमोंड विलियम्स, एरविंग्स गोफमैन, मार्सेल मैकलुहन एंड जॉन फिस्के. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर, मार्सेल मैकलुहन. 110. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द टर्म पैरा लैंग्वेज? तो पैरा लैंग्वेज बताना है इसमें क्या होता है. ए द वेज इन विच पीपल आस्क वाट दे मीन, 21, बाय द वर्ड्स दे यूज. बी द वेज इन विच पीपल सो वाट दे मीन अदर देन बाय द वर्ड्स दे यूज. सी द वेज इन विच वर्ड्स कैरी मीनिंग अनइंटेंडेड बाय द स्पीकर. एंड डी द वेज इन विच द साइलेंस अंडरलाइंग स्पीच कम्युनिटीज रोंग मीनिंग. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, द वेज इन विच पीपल सो वाट दे मीन अदर देन बाय द वर्ड्स दे यूज. 111. विच टू ऑफ द फॉलोइंग ओपोजिशंस आर बेस्ट इवोक्ड बाय हैमलेट्स अट्रेंस, टू बी और नॉट टू बी? तो इसका हमें बताना है कि क्या सेंस निकल के आ रहा है. बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बिटवीन एक्शन एंड इमोशन, बिटवीन एफर्मेशन एंड कन्फर्मेशन, एंड बिटवीन डूइंग एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग. तो इसमें थोड़ा सा प्रिंट हमारा सही नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ही पार्ट होगा ये ऐसा. तो कौन कौन से करेक्ट हैं इसमें ये देख लेते हैं. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, 1 and 4, मीन्स बिटवीन लाइफ एंड डेथ एंड बिटवीन डूइंग एंड एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग. 113. विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल टू मेटा लैंग्वेज? तो मेटा लैंग्वेज बताना है इसमें क्या है. अ टेक्निकल लैंग्वेज विच डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज. बी नोन एज अ फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज. सी 3. अ सेकेंड ऑर्डर लैंग्वेज दैट रिप्लेसेस फर्स्ट ऑर्डर लैंग्वेज विद मेटाफर्स. एंड 4. अ सेकेंड ऑर्डर लैंग्वेज. तो 113 द करेक्ट ऑप्शन इज सी हेयर, 1 and 4 ओनली. तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है इसमें. अ टेक्निकल लैंग्वेज विच डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेज एंड अ सेकेंड ऑर्डर लैंग्वेज, दे बोथ आर करेक्ट. 114. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट आर एसोसिएटेड विद द एपिक थिएटर? तो एपिक थिएटर से कौन इसमें एसोसिएटेड है. फर्नांडो अरेबेल, बार्टोल्ड ब्रैचेट, अर्नोल्ड ब्रेनोन एंड जेम्स सॉन्डर्स. सो 114 द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर, 2 and 3 ओनली, मीन्स बार्टोल्ड ब्रैचेट एंड 3 इज अर्नोल्ड ब्रोनेन. सो दीज टू आर करेक्ट हेयर. 115. हु वॉज मिल्टन्स मॉडल वैन ही रिकास्ट द फर्स्ट एडिशन 1667 ऑफ पैराडाइज लोस्ट इन 10 बुक्स टू 12 बुक्स ऑफ द सेकेंड एडिशन 1674? तो इसमें मॉडल बताना है मिल्टन का, कि मिल्टन का मॉडल कौन था जब उन्होंने फर्स्ट एडिशन लिखा था 1667 में. वो 10 बुक्स में था और उसको कन्वर्ट किया था 12 बुक्स में सेकेंड एडिशन में इन 1674. तो उनका रोल मॉडल कौन था यहाँ पे? सो लुकेन, ओविड, वर्जिल एंड होमर. सो द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, वर्जिल. 116. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू शेक्सपियर्स वर्क? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. तो टाइम सेव करते हुए सीधे आंसर बता देते हैं इसमें. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, द क्वार्टोज अपीयर्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम एंड द फोलियो एडिशन अपीयर्ड पोस्टमसली. जो क्वार्टो एडिशन था वो उनके लाइफ टाइम में ही आ गया था, लेकिन जो फोलियो एडिशन था वो 1623 में आया था आफ्टर हिज डेथ.
उनकी डेथ 1616 में हो चुकी थी, उसके बाद फोलियो एडिशन आया था 1623 में। 117 फाइंड आउट द एरर, तो इसमें एरर फाइंड आउट करनी है। दीज एक्ट्स वर पुश्ड थ्रू पार्लियामेंट इन स्पाइट ऑफ ओपोजिशन बट फॉर लिटिल मॉडिफिकेशन। तो 117 द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, इसके डी पार्ट में एरर है। 118 द मैन हु इज परपेचुअली हेसिटेटिंग विच टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट विल अल्टीमेटली डू ईदर, सो नो एरर। सो 118 डी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर, इसके डी पार्ट में एरर है। ही विल डू फर्स्ट विल अल्टीमेटली डू ईदर। देन 119 यहाँ अंडरलाइन पार्ट के प्लेस पे देखना है क्या आएगा। तो कजिन ब्रदर हमेशा रॉन्ग होता है, ना कजिन ब्रदर हम यूज करते हैं ना कजिन सिस्टर यूज करते हैं, बल्कि इसके प्लेस पे हम सिर्फ कजिन यूज करते हैं। ओके, सो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कजिन, माई कजिन इज अ टीचर। 120 क्वेश्चन द टेल इज सो गुड बट इट कैंट बी ट्रू, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, द टेल इज टू गुड टू बी ट्रू, दैट इज द करेक्ट आंसर। 121 आई हैड लिव्ड विद माई ग्रैंड पेरेंट्स सिंस 2000, तो यहाँ पे मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ 2000 से, तो हैड लिव्ड के प्लेस पे क्या आएगा, एम लिविंग, हैव बीन लिविंग, हैव लिव्ड और नो इम्प्रूवमेंट। सो 121 द करेक्ट ऑप्शन डी इज गिवन हेयर, इसके प्रैक्टिस सेट में नो इम्प्रूवमेंट है, मींस ये करेक्ट है। लेकिन आई थिंक अगर इसके हैव बीन लिविंग भी कर दिया जाए, आई हैव बीन लिविंग विद माई ग्रैंड पेरेंट्स सिंस 2000, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो 122 कीपिंग इन माई माइंड दैट इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स, मैनी इंटरनेशनल कंपनीज आर इन्वेस्टेड इन इंडिया। सो ओनली 2 or 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ अभी, मुझे कहीं जाना है। सो 122 द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी हेयर, इसके डी पार्ट में एरर है, कंपनीज आर इन्वेस्टेड इन इंडिया। 123 द राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड आइटम्स इज लाइकली द कोज ऑफ इन्फ्लेशन टू एक्सीड 8% ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर, तो कौन से पार्ट में एरर है इसमें, इसमें कोई एरर नहीं है, सो नो एरर। 124 मोस्ट ऑफ द पॉपुलर टेल सीरियल्स आर नॉट ओनली इलॉजिकल इन देयर स्टोरी लाइन बट ऑल्सो क्रूड इन देयर प्रेजेंटेशन, सो 124 नो एरर, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। देन 125 आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम फॉर द लास्ट 2 days टू कम एंड लिव विद मी टिल हिज फादर्स एंगर कूल्स डाउन, सो 125 इसके ए पार्ट में एरर है, आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और KVS की वैकेंसी निकली हुई है TGT, PGT और काफ़ी सारे पदों के लिए, तो आपको उनको फिल कर लेना है। इसके लिए अलग से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, YouTube पे पहले से ही काफ़ी सारी वीडियो इस टॉपिक के ऊपर डाली हुई हैं, तो उन वैकेंसीज को भी हम जब फिल करेंगे, क्योंकि हमारा सेम ही प्रोसेस है सबका, तैयारी तो हम कर ही रहे हैं। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।